नसीब फरमाए। अब इसके बाद अभी अभी अल्हम्दुलिल्लाह सुबह से आपके दरमियान में आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आपका निज़ाम देखने के बाद मौलाना हारून साहब जो इस इदारे के नासिब हैं, मोहतरमीम हैं, बड़े मुहर्रिक आलिम दीन हैं, उनकी मेहनतों को देखने के बाद, हाफिज़ शफी और उनके रुफ़का की मेहनतों को देखने के बाद, इस चमन फलाह दारैन को तरक्की देखने के बाद, इसकी तरक्की देखने के बाद बड़ी खुशी हुई। और सबसे अहम बात, जब सुबह से मौलाना हारून साहब के साथ सफ़र करने और यहाँ पर घूमने का मौका मिला तो बार बार वो शहर वालों की जितनी तारीफ कर रहे थे वो यकीनन बहुत काबिल फख्र की बात है कि आप तमाम लोगों के ही तआवुन से अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा प्रोग्राम मुकम्मल हुआ है और आप लोगों के तआवुन ही से इतना बड़ा इदारा चल रहा है जिसमें 265 तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं, जिसमें स्कूल का निज़ाम है। आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसमें आगे बढ़कर हिस्सा लें। और निकाह, यहाँ पर हमारे नौशा इज़ाम बैठे हैं, याद रखें निकाह कोई आसान चीज़ नहीं है। निकाह के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने 10 साल का महर मुकर्रर किया था। निकाह के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने 10 साल का महर मुकर्रर किया था और जिना से बचने के लिए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने 10 साल जेल काटी। तो ये बहुत अजीम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मिली हुई नियामत और सुन्नत है, इसकी कदरदानी करना हमारी जिम्मेदारी है। मैं बड़े अदब के साथ इस इदारे के नाज़िम और मोहतरमीम और आपके इलाके के मुतहर्रिक आलिम दीन हजरत मौलाना मोहम्मद हारून साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि हजरत आए और आज के इस प्रोग्राम के ताल्लुक से इजहार राय भी फरमाए, इजहार ख्याल भी फरमाए और आइंदा के उनके क्या मकासद इस ताल्लुक से भी इजहार ख्याल फरमाए। हजरत मौलाना मोहम्मद हारून साहब। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। फकद कालल्लाहु तबारक व तआला फी कलामिल मजीद फऔज़ु बिललाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लईन शकरतुम लज़ीदन्नकुम व लईन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। सदकल्लाहु अज़ीम। व क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन लम यशकुरिन नास लम यशकुरिल्लाह औ कमा काल अलैहि सलातु वस्सलाम। बात ज़्यादा लंबी नहीं करना है बल्कि मैंने कुरान मजीद की आयत करीमा तिलावत की है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि अगर हम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह नेमतों को बढ़ाएगा, यानी शुक्राने नेमत पर अल्लाह नेमतों को बढ़ाते हैं और नाशुक्री पर अल्लाह नेमतों को छीन लेते हैं। इसी तरीके से मेरे और आपके प्यारे आका सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारक में इरशाद फरमाया कि जो लोगों का शुक्र अदा नहीं कर सकता वो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं कर सकता है। तो हमारा अपना जो आज का प्रोग्राम है ये बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है, गरचे ऐसे प्रोग्राम की मेरा और आपके पास में कदर नहीं है, अल्लाह हम सब को इसकी कदरदानी की तौफीक अता फरमाए। यह आज का ये जो इज्तिमाई शादियों का प्रोग्राम था, मैं पूरे मजलिस उलमा हुफाज की जानिब से शहर के वो नौजवान और वो अफराद जिन्होंने इसको रौनक बख्शने के वास्ते अपनी जान की माल की बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं, और मैं ये भी वजाहत करता चलूँ के जो 25 इज्तिमाई शादियाँ इदारे की चार दीवारी में होने जा रही है, अल्हम्दुलिल्लाह फलहम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये तमाम की तमाम शादियों का खर्च शहर के मुस्लिम नौजवानों ने और शहर के जी असर लोगों ने, बल्कि जानी एतबार से शहर के बच्चे बच्चे ने उठाया है। किसी का इसमें कोई सियासी ताउन भी नहीं है और बाहर का ताउन भी नहीं है। जिस अज़्म के साथ, हौसले के साथ शहर के गयूर नौजवानों ने इस कदम को उठाकर उम्मत की 25 नौनिहाल बेटियों के घरों को बसाने की फिक्र की है, अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। आने वाले दिनों में इन इज्तिमाई शादियों के अंदर पूरे शहर ने जो मेहनतें कोशिशें की है उन्होंने ये अज़्म भी किया है कि आने वाले साल 12 फरवरी 2024 के अंदर इंशाअल्लाह शहर भोकरदन इंशाअल्लाह अपनी मेहनत की कमाई से 51 शादियों का ऐलान कर रहे हैं। हम सब दुआ फरमाए कि अल्लाह ताला इस कार्य खैर में हमारे लिए तो मदद फरमावे और जितने मुआविनी मोहसिनी ने जिन्होंने इस मौके पर हमारा ताउन किया है अल्लाह इनकी जान में, ईमान में, इज्जत में, आबरू में बरकत अता फरमाए। और मैं इस बात की भी वजाहत करता चलूँ कि इन्होंने सिर्फ हमारा ताउन इसलिए नहीं किया है
कि भाई हमारे को शादियां करनी है और शादियां कराकर देनी है, बल्कि जो सामान तोहफे के तौर पर लाया गया तो जहां तक कि मैं समझता हूँ कि वो सामान आदमी जब अपनी बेटी के लिए खरीदने आता तो शायद वो भी उसके अंदर थोड़ा आगे पीछे होता होगा। इन्होंने बड़े खुले दिल के साथ में सामान खरीदा है, अल्लाह इनके देने को बेहतर कबूल फरमाए। इसी तरीके से यह आज का प्रोग्राम, जैसे कि हमारा काबिर उलमा ने बहुत सारे बयान किए हैं, अगर हमने बगौर सुने होंगे तो उन्होंने फरमाया कि उस हदीस पर अमल है जिसमें मेरा और आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बरकत वाला निकाह वो होता है जिसमें आसानी और कम खर्च होता है, और आज का ये हमारा प्रोग्राम उसी हदीस पर अमल है। लिहाजा इस कार्रवाई को, इस अमल को, इस कार्रवाई को आगे बढ़ाने के वास्ते हम सब मिलकर अजाइम करें कि इंशाअल्लाह अभी तो कुछ लोगों ने 51 शादियों का ऐलान किया, हम सब बैठने वाले अभी से अजाइम करते हैं कि इंशाअल्लाह हर एक बंदा इसमें से जिसको अल्लाह ने माल दिया, जिसको अल्लाह ने सलाहियत दिया, जिसको अल्लाह ने ताकत दिया, वो अल्लाह की जात पर नजर करते हुए ये अजाइम पेश करे कि 51 के बजाय शहर भोकरदन की सरजमीन से आने वाली 22 फरवरी 2024 के अंदर इंशाअल्लाह हम 101 निकाह करेंगे। इंशाअल्लाह करते हैं सब अजाइम। नीयतें जितनी मजबूत होगी, हिम्मतें जितनी मजबूत होगी, अल्लाह की मदद शामिल हाल होती है। लिहाजा शहर का जितना जी असर तबका बैठा है उनसे मेरी गुजारिश है कि अभी एक साल बाकी है पूरा मुकम्मल, मैं चंद बातें इसलिए कर रहा हूँ कि एक नौशा जो आखिर में बच्चे थे इन्नमल आमल बिल खवातीन के तहत वो भी आ चुके हैं, वो भी स्टेज पर आएंगे। तब तक के हम अजाइम कर ले कि इसी मजमे के अंदर हम अजाइम करके अपने नामों को लिखा कि इंशाल्लाह मैं एक शादी का खर्च संभालूंगा। आने वाले दिनों में एक शादी का खर्च 40,000 रुपये जो है दम तय कर रहे हैं, तो जिसको अल्लाह ने इस्तेदार दिया कि मैं 2 शादियां संभाल सकता है, उम्मत की 2 बेटियों का निकाह करा सकता है, तो अल्लाह उसकी बरकत से उसकी बेटियों के उसके खानदान के निकाहों को आसान करेगा, दीनदारी पैदा करेगा। इसलिए अज़्मा करो, बोलते हैं माशाल्लाह, और अपने बच्चों के नाम भी उसके अंदर लिखा है कि इंशाअल्लाह ऐसे सुहाने मौके पर जहाँ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल होता है हम अपने बच्चों के निकाह भी करेंगे इंशाअल्लाह। हाजी नजमुद्दीन साहब, इनकी तरफ से 2 शादियां, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए, अल्लाह देने वालों को कबूल फरमाए। बोलते हैं माशाल्लाह 101 निकाह करने, हाजी इकबाल साहब कुरैशी 1 शादी, अल्लाह कबूल फरमाए। देखो माशाल्लाह ये होती है हिम्मत, हिम्मत पर्दा मदद खुदा। बोलती है 3 शादियां भी हो गई। क्या नाम? सैयद याकूब पे गोदरी वाले, इनकी तरफ से 2 शादियां, अल्लाह कबूल फरमाए। देखो शहर के साथ तालुका भी साथ में जुड़ते जा रहे हैं माशाल्लाह। बोलती है अल्लाह देने वालों को खूब जजाया कर अता फरमाए। बोलती है सब पर नजर यहाँ से जा रही है, कोई इशारा करके बताएंगा तब भी समझ में आएगा माशाल्लाह। बोलती है जरिया ग्रुप की तरफ से 1 शादी, अल्लाह कबूल फरमाए। अभी जो है तो कमेटी की तरफ से कहला रहा है कि वहां 40 से 50 हजार रुपये शादी को खर्चा आता है, कोई मसला नहीं है। बोलते हैं अभी 55 दिए हमने और 5 घटे उसमें। बोलते हैं 90 ग्रुप की तरफ से भी 1 शादी, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह इन नौजवानों के माल में खूब बरकत अता फरमाए। बोलते हैं माशाल्लाह। बोलते हैं माशाल्लाह अल्लाह देने वालों को खूब जो है तो जजा कर अता फरमाए। ये बहुत कीमती अमल है, हमारे 50,000 रुपये उम्मत के एक बेटी का निकाह करा कर उसका घर बसाता है। अभी 1 साल बाकी है उसके लिए, वक्त बहुत बाकी है। अब्दुल गफ्फार भाई कुंभारी, इनकी तरफ से 1 शादी, अल्लाह कबूल फरमाए। 2 शादी अब्दुल गफ्फार भाई कुंभारी, इनकी तरफ से 2 शादियां हैं, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह इनकी जान में माल में खूब बरकत अता फरमाए, अल्लाह सेहत अता फरमाए। बोलते हैं माशाल्लाह हाजी अब्दुल अय्यूब साहब बेग, इनकी तरफ से 2 शादियां, अल्लाह कबूल फरमाए। हाजी सरदार अली साहब, इनकी तरफ से 1 शादी, अल्लाह कबूल फरमाए। अब्दुल कदीर बापू, इनकी तरफ से 1 शादी, अल्लाह कबूल फरमाए।
अल्लाह देने वालों की जान में माल में इज्जत में आप लोग को बरकत अता फरमाए। हाजी शफीक सेठ साहब इनकी तरफ से एक शादी अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह इनके जान में माल में खूब बरकत अता फरमाए। बोलते हैं राशन गोडाउन के अम्मालों की पूरी टीम की तरफ से एक शादी अल्लाह कबूल फरमाए। जहीर भाई इसके जिम्मेदार हैं, अल्लाह कबूल फरमाए। देखो माशाल्लाह अरशद भाई और मुजफ्फर सर इन दोनों की तरफ से एक शादी अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह इन अजायब करने वालों की जान में माल में खूब बरकत अता फरमाए। बोलते हैं माशाल्लाह हाजी अकरम साहब कुरैशी इनकी तरफ से एक शादी अल्लाह कबूल फरमाए। बोलते हैं माशाल्लाह बहुत बड़ा काम और हम थोड़ा हिम्मत करके बैठेंगे, सबर के साथ में बैठेंगे, आने वाले साल हमारा काम आसान भी होगा और इससे अच्छा होगा इंशाल्लाह। बोलते हैं शमीम भाई मिर्जा इनकी तरफ से एक शादी अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह इनकी जान में मालो खूब बरकत अता फरमाए। नसीम पठान नगर सेवक इनकी तरफ से एक शादी अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह खूब इनकी जान माल में बरकत अता फरमाए। बड़े फखर के साथ में बात की जा सकती है कि माशाल्लाह शहर के सामने जब भी आवाज लगी है अतराब में शहर में तो हर एक ने तकाजों को पूरा किया है। बोलते हैं माशाल्लाह अल्लाह जरिया माना बनाकर इस्तेमाल करते हैं, बाकी अल्लाह कामों को पूरा करते है। नीयतें करना हमारा काम है। दिखा दीजिए भाई साथी, कोशिश करें इंशाल्लाह पूरा करने वाले अल्लाह है। 101 शादियों के अजाइम है। मीना शाह साहब आलापुर वाले इनकी तरफ से एक शादी अल्लाह कबूल फरमाए। अमीर साहब की तरफ से दो शादी अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह जान में माल में खूब बरकत अता फरमाए। देते हैं माशाल्लाह विनाश शाह साहब आलापुर अब्दुल करीम भाई रफीक कॉलोनी इनकी तरफ से एक शादी अल्लाह कबूल फरमाए। बोलते हैं माशाल्लाह अभी बहुत सारी कार्रवाइयां बाकी है, खुद भाई निकाह बाकी है, हिजाब कबूल बाकी है। मुजीब भाई बर्तनवाल इनकी तरफ से एक शादी अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह इनकी जान में माल में खूब बरकत अता फरमाए। अब्दुल करीम भाई अम्माल इनकी तरफ से एक शादी अल्लाह कबूल फरमाए। रफीक सेठ होटल वाले और जाकिर भाई मेहमान जोमाले वाले इनकी तरफ से एक शादी अल्लाह कबूल फरमाए। अलफला ग्रुप पारत एक शादी। देखो माशाल्लाह हमारे अतराफ से भी रहे तो और ताकत हिम्मत बढ़ती जा रही है। पारत वालों की तरफ से एक शादी, नौजवानों की तरफ से अल्लाह खूब कबूल फरमाए। डॉक्टर बिलाल साहब नया भोकरदन इनकी तरफ से एक शादी अल्लाह कबूल फरमाए। सैयद अब्दुल हकीम भाई फ्रूट वाले इनकी तरफ से उर्फ बाबा भाई इनकी तरफ से एक शादी अल्लाह कबूल फरमाए। अब्दुल रशीद भाई वालसा वडाला वाले इनकी तरफ से एक शादी अल्लाह कबूल फरमाए। अफसर शाह कमल शाह इनकी तरफ से एक शादी अल्लाह इन देने वालों की जान में माल में खूब बरकत अता फरमाए। अल्लाह इनके घरों के अंदर इनकी नस्लों के अंदर दीन को जिंदा फरमाए। बोलते हैं माशाल्लाह हाजी सलमान बेग साहब इनकी तरफ से एक शादी अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह देने वालों की जान में मान में इज्जत में आबरू खूब बरकत अता फरमाए। बैठने वाला मजमा भाई आमीन बोले ताकि नींद ना लगे। आमीन बोलते हैं, आमीन बोलने को पैसे नहीं लगेंगे। बोलते हैं अल्लाह देने वालों खूब जजाकर अता फरमाए। बोले बोलो बहुत सारे लोग बाकी माशाल्लाह भी। मदीना ग्रुप नया गोकर्धन इनकी तरफ से भी एक शादी अल्लाह कबूल फरमाए। ये वो ग्रुप है कि जिन्होंने बेचारों ने कल पूरी रात से लेके अभी तक ये खिदमत अंजाम दी है। अल्लाह खूब जजाए खैर अता फरमाए। बोलते हैं माशाल्लाह तरफ से एक शादी अल्लाह कबूल फरमाए। बंदे खुदा की तरफ से एक शादी है अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह जान में माल में खूब बरकत अता फरमाए। सैयद शकीब भाई गेस्ट हाउस वाले इनकी तरफ से एक शादी अल्लाह कबूल फरमाए।
मस्जिद उमर बिन खत्ताब ग्रुप इनकी तरफ से एक शादी अल्लाह कबूल फरमाए। जिम्मेदार ग्रुप के हाफिज शफी साहब रहेंगे उसके, अल्लाह जानने वालों को बरकत अदा फरमाए। डॉक्टर नसीम साहब खुशी हॉस्पिटल इनकी तरफ से एक शादी अल्लाह कबूल फरमाए। मंसूर भाई टेगड़े वाले इनकी तरफ से एक शादी अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह इनकी जान में माल में इज्जत में आबरू में खूब बरकत अदा फरमाए। हाजी रफीक साहब पठान इनकी तरफ से एक शादी अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह इन देने वालों की जान में माल में खूब बरकत अदा फरमाए। अल्लाह इन तमाम देने वालों को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्या से मालामाल फरमाए। आमीन बोलो। आमीन के पैसे नहीं लगेंगे, आमीन बोलो। हाजी नसीर शाह साहब इनका गुरु भी आलापुर का, इनकी तरफ से एक शादी। हाजी नसीर शाह साहब आलापुर वाले, इनकी तरफ से एक शादी अल्लाह कबूल फरमाए। शफीक भाई राजूर वाले इनकी तरफ से एक शादी अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह इनकी जान में माल में खूब बरकत अदा फरमाए। शफीक भाई सिराज भाई ओनली सेवन ग्रुप ताजी महिला इनकी तरफ से देते एक शादी। अकरम भाई शाह साहब इनकी तरफ से एक शादी अल्लाह कबूल फरमाए। बंगार वाले अल्लाह इनकी जान में माल में खूब बरकत अदा फरमाए। ओनली सेवन ग्रुप ताजी महिला हाजी बुडन भाई मरूम टेकड़े वाले इनकी तरफ से एक शादी। अल्लाह जो है तो खूब कबूल फरमाए। अल्लाह उनकी मकबरत फरमाए। अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। हम सब मिलकर नियत करें कि इंशाल्लाह आने वाली 12 फरवरी 2024 तक के इंशाल्लाह हम चल फिर कर दुआ के बाद में भी कोशिश और मेहनतें करते रहेंगे। करेंगे सब कोशिशें। अल्लाह हम सब कमल की तौफीक अता फरमाए। आज की मजलिस में जो 47 शादियां हुई है, अगर 4 आ जाती है तो 51 का टारगेट पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह। हिम्मत कर लो कोई 4 लोग। 47 हो चुकी है। 4 कुदरत शेख साहब इनके अम्मालों की तरफ से एक शादी है। अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह इनकी जान माल में खूब बरकत अता फरमाए। 3 बाकी है, बोलते हैं माशाल्लाह। 3 ताकत है, बोलते हैं। सलीम भाई औरंगाबाद वाले हाफिज रफीक साहब के जरिए से शादी आई है, 48 हो चुकी है। अल्लाह की जान माल में खूब बरकत अता फरमाए। 2 शादियां बाकी है, बोलते हैं माशाल्लाह। अकबर कासम शाह साहब नाचन बेल वाले वो भी हमारे पास शादी में पहुंचे, उनकी तरफ से एक शादी अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह उनके जान में माल में खूब बरकत अता फरमाए। नागे वालों की तरफ से एक शादी है, मौलाना फिरोज साहब उसके जिम्मेदार, अल्लाह कबूल फरमाए। अन्नू मिस्त्री, इरफान मिस्त्री, फिरोज भाई मिस्त्री, ये मिस्त्री की जमात की तरफ से एक शादी आई, अल्लाह कबूल फरमाए। ये हमारी 51 शादी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हो चुकी है आप लोगों की दुआओं से, हिम्मत से, अज़्म से, ताकत से। अब जितने लोगों ने लिखाया है ये 12 फरवरी 2024 से पहले पहले शादियों के जो रकम जमा होती है उसके जिम्मेदार है इरफान पठान साहब, अख्तर हाजी साहब, इमरान भाई गोली बिस्किट, हाफिज शफी साहब, हाफिज जावेद साहब, आमिर भाई, इन सब से हम रब्ता करके जो है तो रकम अगर थोड़ी थोड़ी करके आने वाली 12 फरवरी 2024 तक भी जमा करा सकते हैं आसानी के साथ में, सहूलत के साथ में। अल्लाह हम सब को जो है तो कहने सुनने ज़्यादा बल्कि तौफीक अता फरमाए। और जितने लोगों ने हमारा ताउन किया है अल्लाह इनकी जदाया कर अता फरमाए। इतना भी ज़्यादा अफसोस का मौका है तो गुज़िश्ता शादी हमारे अपने शहर के अंदर इज्तिमाई शादियों की बुनियाद गिरी थी और ये इज्तिमाई शादियों का जो काफिला चला था तो उस काफिले के अंदर एक और शहर सवार थे जो हम सब के खास और मुशफिक थे, हम सब के रहबर थे पूरे शहर के अतबार से, एक अच्छा हाफिज़ कुरान और नमाजों के पाबंद हम सब के जो तो रफीक हाफिज मोहम्मद नासिर खान साहब पठान मरूम। हम सब मिलकर ऐसे मौके पर उनको फरामोश नहीं करते थे, उनकी अपनी दुआ करते हैं कि अल्लाह उनकी मगफरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, उनको उनके घर वालों को जो है तो उसका नेमत बदल अता फरमाए।
इसी तरीके से जो है हाजी बिस्मिल्लाह साहब है, हाजी विकल साहब है, ये वो लोग हैं जिन्होंने जमीने और मदरसे के लिए रकम दिए है। अल्लाह सबकी जो है मकफरत फरमाए। इसी तरीके से जितने मदरसे के माविनी मोहसिनी है कि जो इदारे का ताउन करते हैं, इज्तिमाई शादियों का ताउन करते हैं, हम सब मिलकर जो है तो इस मजमे के अंदर दुआ करें कि अल्लाह सबको जो है तो उसका बेहतरीन बदलाता फरमाए। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। अभी खुतबा निकाह होगा, उसके बाद में इजाब कबूल होगा, उसके बाद में दुआ होगी। हर मजलिस की बरकतें दुआ के साथ में रहती है, इसीलिए हदीस पाक में आता है इन्नमल आमालु बिल खवातिम, के एतबार खात्मे का होता है। लिहाजा हम दुआ की बिगड़ कोई अपनी जगह से न उठे। बड़ी संजीदगी के साथ में आप लोग बैठे, अल्लाह आपके बैठने की विनती कबूल फरमाए।